अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। माय यूट्यूब फैमिली, टुडेज इज संडे। नाउ आई सडनली प्लान गो टू द चलें जी। ये हम पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पे। पहले आपको दिखा दूं कि यहाँ बड़ा प्यारा सा एक व्यू है। यहाँ देख, ये देखें, ये सारे मसाले की आपको रेसिपी बता रहे हैं। फिश की जो लंच है वो इसमें क्या क्या ऐड किया आपने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। माय यूट्यूब फैमिली, टुडेज इज़ संडे। नाउ आई सडनली प्लान गो टू द फिशिंग। सो अभी मैं निकल रहा हूँ फ्रेंड्स के पास और वहाँ से हम लोग जाएंगे नहर। अब कहाँ जाते हैं वहाँ जाके आपको रिव्यू देता हूँ, लेकिन हम आज अपना एंजॉय करेंगे फ़िशिंग को। और इससे पहले भी गया हूँ, लेकिन अभी हम जाते हैं, फिर वहीं मिलते हैं। ये देखें, यहाँ वाटर बॉटल और अपना कुछ ज़रूरत का सामान और कुछ हम शॉप से ले लेंगे। और वेदर थोड़ा कोल्ड हो गया, इसने थोड़ा सा अपर ले लिया है और मैंने ट्राउज़र भी ऐसा ही पहना है, ये देखें, जो थोड़ा सा हैवी है। बट चले, हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। पहले फ्रेंड को उठाते हैं, फिर हम निकलेंगे वहाँ से फिशिंग के लिए एक अच्छी सी जगह पर। बिस्किट निकालना। वो भी दे दो जो सही है। चलें जी, अब हम रास्ते में हैं और हम पहुंचेंगे गुलशन झील पार्क सोसाइटी, बिकॉज़ के वहाँ आमिर का घर है और वो हमें जो लेके जाएंगे फ़िशिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग, जो मैंने अब तक आपको नहीं बताया था। लेकिन जब हम पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह ताला, यहाँ हम पहुंच गए हैं गुलशन झील पार्क सोसाइटी में। थोड़ा सा इसका व्यू करवा दूँ, बड़ी खूबसूरत सी सोसाइटी है। और अब आमिर यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, वो क्या काम कर रहे हैं जो ज़रूरी होता है फ़िशिंग के लिए। अर्थफॉर्म जो है वो तलाश कर रहे हैं अपने यहाँ की प्लांट की क्यारी में से। तो जैसे ही उन्होंने वर्क फॉर्म तलाश कर लिया तो हम पहुंचे डेस्टिनेशन। चलें जी, ये हम पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पे। पहले आपको दिखा दूं कि यहाँ बड़ा प्यारा सा एक व्यू है, वो ये है कि हम पहुंचे हैं गांव साइड पे और यहाँ एक नहर भी गुजर रही है। यहाँ देखें, सामने फील्ड्स जो हैं उनमें वर्किंग हो रही हैं। मौसम बहुत अच्छा है, इसीलिए सोचा गर्मी में तो निकलने का मेरा तो तसव्वुर भी नहीं है और ना मुझे पसंद है। यहाँ देखें, ये लोग अभी कुछ तैयारियाँ कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। ये देखिए, अभी इसने बिस्किट लिए थे, ये बिस्किट खा रहे हैं यहाँ पर। जिस काम से आए हैं वो आपको दिखा दूँ, फिशिंग हो रही है। ये मुस्तकिल हाई कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरे सब्सक्राइबर भी साथ आ रहे हैं, इन्होंने हम भी साथ चलेंगे। जगह ये बहुत प्यारी थी, क्योंकि थोड़ा सा ये देखिए, बहुत खूबसूरत दरख्त के साए में जब बैठेंगे, ये देखें कितना खूबसूरत सा, ये पता नहीं, मैं तो नज़र नहीं आ रहा, डॉगी जा रहा है। ये सारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं। ये कौन सी नस्ल है? ये कुत्ते की नस्ल। वैसे हाँ, ये बात है, ये वो कैनाल है जहाँ से हम लोग फिशिंग करेंगे। ये देखिए, ये हरे भरे खेत। इस जगह का नाम है कैलरी विलेज और ये लतीफाबाद से काफ़ी आगे आके टंडो मोहम्मद खान रोड पर है। सामने यहाँ देखें, ये देखें, ये सारे मसाले की आपको रेसिपी बता रहे हैं। फ़िश की जो लंच है वो इसमें क्या क्या ऐड किया आपने। चाइनीज़ राइस है जिसमें थोड़ी चिकन भी होनी चाहिए, उसके बाद खल है और क्या ऐड किया है, मसूरा, चूना, टूना, हड्डी और अट्टी। आप कुछ और नहीं समझिएगा प्लीज़, अट्टी कहा है मैंने, ठीक है। ये पूरी एक रेसिपी है और ये कंप्लीट एक मसाला बन जाएगा। उसके बाद मछलियाँ बहुत शौक से आती है, देखें बहुत बड़े जो फिशर जो हैं वो वहाँ जा रहे हैं। हमारे वालिद साहब की जगह है माशाल्लाह, हैं वालिद साहब, क्या करें, उनका शौक़ है। हम सब आए इसीलिए हैं कि अपने शौक़ को इंजॉय भी करें और आप लोगों को दिखा भी दें। क्या मौसम है,
मैं तो यहीं पे एक झुग्गी ले रहा हूँ भाई। कनाडा से कोर्स किया हुआ उन्होंने फिशिंग का। यहाँ मिल गए थे हमें फिशरमैन्स जो यहाँ की मछलियाँ पकड़ते हैं, उनसे हमने थोड़ी बहुत हेल्प ली है और उनसे कुछ बातें भी की। आइए आप देखिए। पांच मछलियाँ लग गई हैं तुम्हें? पांच लगी हैं मछलियाँ? हाँ, सारा दिन बैठे रहो, एक भी नहीं लगती। और लगना चाहे तो एक घंटे में पांच पांच लग जाती हैं। पांच बजे तो अंधेरा हो रहा था। तुम लोग कैसे पकाते हो मछली? थोड़ा थोड़ा चोरी भी मिला रहा। ए, लेके जाते हो जब मछली पकड़ते हो तो कैसे पकाते हो? मतलब उसकी क्या वो है, पकाते हो या वैसे कैसे खाते हो? तो कैसे और अच्छा तल लेते हो? हाँ, ये इसने बिल्कुल मीरा वाला एक्शन दिया है कि गोश्त कैसे पकाते हो, बस घी डालो, तेल डालो और वो तैयार है ना। हाँ बिल्कुल, मीरा का भाई है ये, इसे भी देख लें। उसने बड़ा प्यारा कोरमा बनाया था, शायद आप लोगों ने इंटरव्यू देखा हो। ये निकाल ले, डाल इसमें, लगे में डाल इसको। सिंगारी है, सिंगारी झरका। हाँ, ये पहले चूमियो इसको, ओमने चूम लियो इसको पहले। हाँ लगेगी, लगेगी, चूम के लगाएगा, लगेगी। हमने डाला इसको, डाल इसको हाथ में पकड़े बैठी। ये बहुत बड़ा यहाँ का फिशरमैन है, इसका नाम है हाजी सोलंगी, कोर्ट से आया। ये बैग लाया अपना, देखें, बड़े फिशरमैन है। इन्होंने यहाँ पे हमें सिखाया शुरू से, हम छोटे से थे जब से सिखाना शुरू किया इन्होंने। मेहर की मूवी भरूंगा मैं। अबे भाई साहब, उस दिन भी लाठी लगी थी। ये कोई क्या यहाँ पे कव्वे अपना शोर मचा रहे हैं। मछली है भी नहीं, आम थे, आम यहाँ पर आम थे, लेकिन अब देखो क्या शान है, सर्दियों में भी आम इसे बड़े बड़े लगे हैं जो नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे तो हमने बहुत तोड़े आम, मैंने और फौजी ने। पहली पहली अभी स्टार्ट में फिश लग गई है और अभी ये थोड़ी छोटी है, अभी कह रही है कि बड़ी वाली भी आएंगी। देखिए ये अभी कार्रवाई शुरू हुई है, आप लोगों ने दुआएं की हैं तो जरूर लगेगी माशाल्लाह। चले आगे फिर दिखाते हैं आप। बस तकरीबन दो घंटे हमने यहाँ पर गुजार लिए हैं और इससे ज़्यादा मेरी लिमिट नहीं थी। जो भी फ़िशिंग की, अच्छा किया, एंजॉय किया, तो मैंने सोचा जाते जाते आपको ज़रूर थोड़ा सा व्यू करवा दूँ। ये अभी इस टाइम नहर काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी काफ़ी ये डीप है, तो मैं निकलने वाला था। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।